नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होगी 2 रुपये के एक वैल्यूएबल कॉइन के बारे में। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या 2 रुपये के कैसे कैसे सिक्के मिंट द्वारा बनाए गए थे, जिनमें से कुछ सर्कुलेशन में आए थे और कुछ सर्कुलेशन में नहीं आए थे। काफ़ी कॉइन कलेक्टर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जो सर्कुलेशन में नहीं आए थे, लेकिन आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है। जब वो सिक्के बाहर निकलते हैं, ऑक्शन में, नीलामी में जाते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है। तो बात होगी 2 रुपये के एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन के बारे में, स्टेनलेस स्टील का 2 रुपये का एक्सपेरिमेंटल कॉइन। अब ये कुछ जापान के सिक्के भी आप देखेंगे स्क्रीन पर, इनके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या क्या रीज़न है जापान के सिक्के यहाँ पर रखे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2 रुपये के एक्सपेरिमेंटल कॉइन की, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा। अभी स्क्रीन पर जो सिक्का आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है 2 रुपये का एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन जो कि मिंट द्वारा बनाया गया था। ऊपर ध्यान से आप देखोगे, जहाँ पर एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 2014 EX। यह जो रुपी का सिंबल है, इसके आगे देखेंगे आप EX और रुपी के सिंबल के पीछे लिखा है PT। सेम उसी तरह दूसरी साइड है, अगर आप देखेंगे अशोका पिलर के दोनों साइड EXPT। एक्सपेरिमेंटल कॉइन है ये, जो कि सर्कुलेशन में नहीं आया था, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब आप दोनों सिक्कों को कंपेयर कर लें ध्यान से, कुछ इस तरह का, जैसे जापान में होल कॉइन होते हैं जापान के, कुछ कुछ इसी तरह का दिखता हुआ ये सिक्का है। ध्यान से आप देखें, इस साइड में देखें और इस सिक्के को देखें जो जापान का होल कॉइन मेरे हाथ में है। काफ़ी लोग ऐसे सिक्कों को लॉकेट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इसमें धागा डाल लेते हैं, और गले में भी आपने काफ़ी लोगों के, क्योंकि होल कॉइन काफ़ी लोग गले में पहन लेते हैं, लॉकेट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो मिंट की तरफ से अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं सिक्कों के, अलग अलग नमूने बनाए जाते हैं। बाद में डिसाइड होता है कि सिक्का मार्केट के में सर्कुलेशन में यूज़ करना है या नहीं करना है, तो वो बाद में कैंसिल हो जाते हैं। तो जब ऐसे सिक्के नीलामी में निकल कर आते हैं बाहर, क्योंकि लिमिटेड होते हैं, किसी के पास होते नहीं हैं, तो वैल्यू ज़्यादा ही होगी इसकी। ऐसे सिक्कों की वैल्यू अभी हाल ही में एक ऑक्शन में देखी है मैंने, जिसकी वैल्यू रखी गई थी 50,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे जापान का होल कॉइन आप देख रहे हैं ध्यान से। सेम इसी तरह का 2 रुपये का ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन बनाया गया था। बाद में सर्कुलेशन में ये नहीं आया था। डिज़ाइन हालांकि सिक्के का बहुत अच्छा था, ये जो 2 रुपये का बना था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन था, एक्सपेरिमेंट के लिए सिक्के बनाए गए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जापान का ये सिक्का मैंने आपको इस वीडियो में क्यों दिखाया है। तो यही रीज़न था इसका, क्या सेम इसी तरह का दिखता हुआ एक सिक्का तैयार किया गया था, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था, सर्कुलेशन में नहीं आया था, और हाल ही में जो ऑक्शन है उसमें नीलामी के लिए सिक्का 50,000 रुपये की कीमत में रखा गया था। तो ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आने वाली वीडियोस आप मेरे किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं, कैसे सिक्के और नोटों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, उनकी वैल्यू के बारे में, उनकी प्राइस के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंटल कॉइन वगैरह है, तो वहाँ पर मुझे आप फोटो भेज कर वो दिखा सकते हैं। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।